हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आप बहुत लोगों की फरमाइश के ऊपर आज लेके आया हूँ राग शिवरंजनी में एक इंस्ट्रूमेंटल गत। ये शिवरंजनी राग जो कि ज़्यादातर लाइट म्यूजिक में गाया या बजाया जाता है, तो आज मैं भी एक लाइट चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि दीपचंदी ताल में निबद्ध की हुई है। दीपचंदी ताल 14 मात्रा का होता है। इसके बोल है धा धिन धा धिन ता तिन ता तिन धा। तो ये दीपचंदी ताल में हम राग शिवरंजनी की एक बंदिश देख लेते हैं। शुरू करें इससे पहले मैं आपको राग शिवरंजनी के बारे में बता दूं। शिवरंजनी काफी थाट से उत्पन्न एक राग माना जाता है जिसमें ग कोमल लगता है और म और नी दोनों वर्जित है, यानी ये पांच स्वरों वाला ओडव जाति का राग है। सारे ग पदसा साध प गरेसा जैसे भूपाली में है, देशकार में है, सब में। ये शिवरंजनी में भी ऐसे ही है लेकिन इसमें ग कोमल लगता है। तो इसका आरोह अवरोह कैसे होगा देखिए। शिवरंजनी राग को करुण रस का राग माना जाता है। इसमें सिंगार रस की भी कुछ रचनाएं पाई जाती है। बहुत ही स्वीट लेकिन थोड़ा सैड टोन वाला राग है। आप इसकी बंदिश देखिए दीपचंदी ताल में जो कि 14 मात्रा में है। ताल के साथ पहले पूरी बंदिश सुन लेते हैं फ्लूट पे, उसके बाद उसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ गाकर और बजाकर आपको मैं बताऊंगा। ये दीपचंदी ताल है 140 BPM की स्पीड में और ये स्वर है काली पांच यानी ए सा। ताल के बोल है दा दिन दा दा दिन ता तिन ता ता तिन दा दिन दा दा दिन ता तिन ता ता तिन दा दिन। तो ये बंदिश जो है वो सम से ही यानी पहली मात्रा से ही शुरू होती है।
ताल ही में एक बार इसे सुन भी लेते हैं। सी बंदिश बहुत ही स्वीट है, एकदम इजी है, लाइट क्लासिकल है, ये प्योर क्लासिकल भी नहीं है, तो बजाने के लिए भी इजी रहेगी, सुनने वाले के लिए भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसे अवश्य तैयार कीजिएगा। मैं इसकी एक एक लाइन थोड़ी कम स्पीड में आपके सामने दोहराता हूँ ताकि आप चाहें तो इसको इजीली तैयार कर सकें। तो पहली लाइन है ग ग रे सा रे ग आठवीं मात्रा से यानी खाली से शुरू होता है ग प द द सा रे ग रे ग रे सा द सा
बजाने वाले को भी इसमें मजा आएगी बजाने की, और सुनने वाले को भी उसको सुनने में बहुत मजा आएगा। तो ये बंदिश आप अवश्य तैयार कीजिएगा, आपको कैसी लगी है हमें बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी अवश्य कर दीजिएगा। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।